अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शुरू करते हैं आज का वीलॉग। वी विजिटेड द सिडनी सिटी एरिया जहां पर विविड शो होता है एवरी ईयर, जो कि डिफरेंट किस्म के लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स के साथ होता है। सो यहां से हम लोग घर से निकल चुके हैं और रास्ते से मैंने कहा कि मायरा के लिए कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, बिकॉज उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा था और हमें नहीं पता था कि वहाँ पर कितना टाइम लग जाएगा। एंड ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा सा हलाल का इशू होता है, तो सो वी डिसाइडेड कि यहाँ लकैम्बा से कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए साथ ले जाते हैं। और ये है जी हमारा लकैम्बा का एरिया जहाँ पर हमारी रेजिडेंस भी है। हम लोगों ने ट्रेन के ज़रिए जाना था बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। सो यहाँ पर हम लोग लिफ्ट में हैं ट्रेन के एरिया पे जाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग वॉक करके ट्रेन के एरिया की तरफ जा रहे हैं। विविड शो एक इंतहाई ज़बरदस्त शो होता है जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के और डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़ के लोग आते हैं एवरी ईयर टू विज़िट इट, क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है और सबसे ज़्यादा रश भी वहीं होता है। ये है जी ट्रेन का एरिया, यहाँ पे अब हम वेट कर रहे हैं कि ट्रेन आए और हम उसमें सवार हों। यहाँ पर जी ट्रेन आ चुकी है और अब हम इसके अंदर बैठने लगे हैं। अगर आप लोग मेरा वीलॉग ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं तो आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ट्रेन का सफ़र कैसा लगता है। ट्रेन में बैठते ही हमें आइडिया हो गया था कि ये सब लोग जो है वो सिडनी विविड शो देखने जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा रश था। ये देखिए यहाँ पर हम उतर चुके हैं सर्कुलर क्वे, ये एक जगह है जहाँ से सिटी हार्बर ब्रिज, ओपरा हाउस एंड दूसरे प्लेसेस नज़र आते हैं। यहाँ से हम लोग लिफ्ट के अंदर बैठ के जा रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास प्रैम थी, तो वैसे जो है वो हम लोग एस्केलेटर के थ्रू मूव नहीं कर सकते थे। एंड आप यहां पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है, इवन लिफ्ट की तरफ जाते हुए भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लोग जो थे वे क्यू में थे। जैसे ही आप सिडनी के इस एरिया में आते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं बिकॉज सिटी का जो ये एरिया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही डिफरेंट है इर्द गिर्द के सबर्ब से। यहाँ पर आते ही लगता है कि जैसे आप एक अलग ही प्लेनेट पे आ गए हैं। तो यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं जी और इस लोकेशन पे सारा जो है वो शो होता है। पूरा जो सिटी का एरिया है उसको कवर किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे लाइटिंग इफ़ेक्ट देख के ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये शो कितना अमेजिंग होने वाला है। जो हार्बर ब्रिज एंड ओपरा हाउस वाला एरिया है वो बैक साइड पे है। सबसे पहले हम यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर एक वॉल होती है उसके ऊपर बड़ा ही अमेजिंग लाइटनिंग इफेक्ट होता है। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम इसको चेक करते हैं। यहाँ से हम लोग आ गए थे हार्बर ब्रिज वाली साइड पे। यहाँ से हार्बर ब्रिज बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आता है और मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोट की कि यहाँ पर ईद का इशू लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई हुई है कि ईद किस दिन होगी। सो यहाँ पर चांद बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा था और लग रहा था कि जैसे ये दूसरे दिन का चांद है, तो इट मीन्स कि ईद जो है वो संडे को होनी चाहिए। बट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिसीजंस हैं, कोई मंडे को कर रहा है, कोई ट्यूसडे को कर रहा है। सो वैसे चांद के अकॉर्डिंगली जो है वो ईद संडे को ही होनी चाहिए। सो यहाँ पर जो है वो लाइटनिंग इफेक्ट स्टार्ट हो चुका है और मगरिब का टाइम भी हो चुका था। और ये देखिए जी डिफरेंट किस्म के यहाँ पर क्रूज़ होते हैं और क्रूज़ के भी जो है वो टिकट्स वगैरह होते हैं। लोग क्रूज़ से भी जो है वो ड्रोन लाइट्स वगैरह देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये है जी ओपरा हाउस, ओपरा हाउस को भी बिल्कुल लाइटनिंग इफेक्ट दिया हुआ होता है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि लेज़र लाइट्स के ज़रिए किस तरह जो है वो लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं। ये ओपरा हाउस का एक व्यू है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग, इस पे लाइटनिंग आर्ट बन रहा था। और ये देखिए जी ये हार्बर ब्रिज का एक बहुत ही आउट क्लास सा व्यू है। और जितना यहाँ पर रश था, लोग जो है वो अपनी ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स ले रहे थे, बहुत ही अमेजिंग सा एक व्यू था। ये आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ ही जो सिटी की बिल्डिंग्स हैं उनकी लाइट्स भी बहुत ही अमेजिंग लग रही हैं।
ये जो क्रूज है इसके ऊपर भी इन्होंने बकायदा लाइटनिंग इफेक्ट से विविड सिडनी लिखा हुआ होता है, जो कि मैं आपको फर्दर क्लिप्स में दिखाऊंगी। सो आपने वीलॉग जो है वो एंड तक ज़रूर देखना है। इसके साथ साथ वेदर भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था बिकॉज शाम का मौसम हो चुका था। ये देखिए विविड सिडनी लिखा हुआ है क्रूज़ के ऊपर, और किस तरह से ये लेज़र लाइट के इफ़ेक्ट से एक बहुत ही प्यारा सा व्यू बन रहा है। बच्चों के साथ इस जगह पर विज़िट करना थोड़ा सा इसलिए डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज स्पेशली रात के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, लेकिन ये है कि आपको पता है कि लाइफ आपको एक ही दफ़ा मिलनी है और आप इसको जी भर के इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी इंजॉय करवाएं। हमें पता चला कि 9:10 पे जो है वो ड्रोन शो स्टार्ट होना है, सो हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, और चलते चलते हमें नज़र पड़ी ये एक बहुत ही अमेजिंग न्यू, इन्होंने हलाल फलाफल एंड शवारमा के नाम से एक कैफ़े खोला है। तो हमें बहुत ज़्यादा हैरानी हुई बिकॉज़ यहाँ पर हलाल ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल नहीं थी, और इन्होंने बहुत ही मज़े का हमें स्नैक पैक और साथ किड्स मील बना के दिया, जो कि हमने खूब इंजॉय किया। इसके बाद हम आ गए ये पीछे जो वॉल के ऊपर डिफरेंट किस्म के लाइट इफ़ेक्ट्स से ये पिक्चर्स बनाते हैं वो देखने के लिए। ये देखें यहाँ पे ये इस तरह से एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ये लाइट इफ़ेक्ट्स के ज़रिए से डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स एंड कार्टून्स वगैरह बनाते हैं। इसको भी हमने खूब इंजॉय किया, और देखते ही देखते टाइम हो गया। अब हम वेट कर रहे थे यहाँ पर लेज़र ड्रोन लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स का, जिनके ज़रिए से हम लोगों को डिफरेंट किस्म की ये लोग शेप्स बना के दिखाते हैं। और यकीन माने कि इतना रश हो गया, और हम लोग ने जो ऑलरेडी जगह चूज़ की हुई थी वो तो कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। फ़र्स्ट टाइम मैंने सिडनी में इतना ज़्यादा रश देखा है, और इतनी ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉपुलेशन आई हुई थी कि आपको मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो हम लोगों को बहुत मुश्किल से एक जगह पर खड़े होने की जगह मिली, और यहाँ पे इनका स्टार्ट हो चुका है, ये ड्रोन के ज़रिए डिफरेंट किस्म की शेप्स बना रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ये हार्ट बनाया है, और इस दिल में से ये लोग तीर पास करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग सा ये व्यू लग रहा था। यकीन माने जो कैमरा है वो इसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा, अदरवाइज़ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जब हमने लाइव इसको देखा था तो ये कितना खूबसूरत लग रहा था। ये देखें ये बटरफ्लाइज हैं डिफरेंट, और इसके साथ ही इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा ये एक और बड़ा सा बटरफ्लाई का इमेज बनाया है। और भी डिफरेंट किस्म की शेप्स थी जो कि इन्होंने बनाई, और हम लोगों ने उसको देखा। स्पेशली जब ये इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं और लोग इसके साथ शाउट कर रहे होते हैं तो एक बहुत ही मज़े की फीलिंग आती है। ये इसका क्लियर व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, लव इज़ इन द एयर, साथ ही ये हार्ट जो है वो इन्होंने बनाया, और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके एक वीडियो बनाई है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही आई कैचिंग व्यू था। इस तरह से डिफरेंट इमेजेस जो है इन्होंने बनाए थे, और स्पेशली जब एंड पे इन्होंने विविड लिखा तो वो बहुत ही आउट क्लास लगा। और इसके बाद हम लोगों ने फौरन से पहले घर जाने की जैसे ही ये शो एंड हुआ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रश था। बल्कि इवन मैं ये रश आपको दिखाती भी हूँ कि किस तरह से लोग जो हैं वो जमा हुए हुए थे, और क्या हाल हो चुका था जब हम लोग वापस जाने लगे थे, तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों का रश था ट्रेन पे। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में और इतनी ज़्यादा भीड़ में कोई भी जो है वो अपनी गाड़ी लाने की कोशिश नहीं करता, सबकी यही कोशिश होती है कि वो जो है ट्रेन के ज़रिए यहाँ पर आएं, बिकॉज़ पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ के रूल्स जितने स्ट्रिक्ट हैं, लोग ट्राई करते हैं कि ट्रेन पे ही जो है वो विविड तक आया जाए। ये देखिए इतना ज़्यादा रश था। तो अगर आप लोगों का भी प्लान है, वैसे तो ये जल्द ही एंड होने वाला है, तो आप इसको ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीलॉग्स, टेक केयर एंड बाय।